मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब का विकास है, गरीब का कल्याण है। हम बहुत नेक नीयत से आपके जीवन की हर परेशानी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। गरीब से गरीब परिवार के पास अपना पक्का घर हो, इसलिए हमने 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। आप जरा बताएंगे कितने घर, जरा इधर से आवाज आएगी, कितने घर बना के दिए गरीबों को, कितने घर दिए? माताएं बहनें जरा बताइए कितने घर दिए, कितने घर दिए? राम मंदिर बनाया, ये तो याद है। 4 करोड़ गरीबों के घर बनाए, ये भी याद रखिए। पहले करोड़ों देशवासी खुले में शौच के लिए मजबूर थे, इसलिए हमने शौचालय की इज्जत घर की सुविधा दी। पहले देश के करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा घरों में लोग बिना बिजली के अंधेरे में रह रहे थे। भाजपा सरकार ने ऐसे 2.5 करोड़ परिवारों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिया। हमारे देश के गरीब परिवार की माताओं बहनों के जीवन में तो सिर्फ धुआं ही धुआं था, हमने उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन दिया। महंगे इलाज के कारण गरीब और गरीब हो रहा था, इसलिए भाजपा ने गरीबों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी। जब कोरोना इतना बड़ा संकट आया तो यह हमारी सरकार है जिसने हर गरीब को मुफ्त वैक्सीन लगवाई। वो वैक्सीन विदेश में लोगों को कई कई 100 रुपये से भी लग नहीं पाती थी, वो काम आपके बेटे ने मुफ्त में वैक्सीन लगा करके किया। आप मुझे बताइए, आप लोगों का वैक्सीन लगा था कि नहीं लगा था? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, लगा था कि नहीं लगा था? क्या आपको 1 रुपया देना पड़ा था? क्या कोई पैसा देना पड़ा था? क्या या आपका बेटा आपकी जिंदगी बचाने के लिए दिन रात मेहनत करता था कि नहीं करता था? साथियों, ये मोदी है जो अपने 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन देने की गारंटी दे रहा है। कितना बड़ा संकट का वो काल था, दुनिया भर के लोग परेशान थे, मौत मंडरा रही थी, कोरोना ने डरा कर रखा था, घर से काम पर जाना भी मुश्किल था, अरे बेटा भी मां के कमरे में जाने से डरता था कहीं कोरोना मां को न लग जाए, बेटा भी चिंतित रहता था। वो दिन थे तब आपका बेटा दिल्ली में बैठे बैठे दिन रात आपकी चिंता करता था, और इसलिए मैंने तय किया था संकट कितना भी भयंकर क्यों ना आ जाए, मैं गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा, मैं किसी गरीब मां का बच्चा भूखा सोने नहीं दूंगा, मैं किसी के घर में भूख की आवाज सुनाई दे वो दिन हिंदुस्तान में आने नहीं दूंगा। और इसलिए 80 करोड़ लोगों को अन्न मुफ्त में देने का काम शुरू किया। भाइयों बहनों, ये योजना दिसंबर में पूरी हो रही है। अब बताइए मुझे, इस योजना को आगे चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? ये गरीबों को मुफ्त अनाज देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये दिसंबर के बाद भी मिलते रहना चाहिए कि नहीं मिलते रहना चाहिए? इससे गरीब को मदद मिलती है कि नहीं मिलती है? भाइयों बहनों, मैंने निश्चय किया कि मैं इन 80 करोड़ लोगों को अब आने वाले 5 साल के लिए इस योजना को आगे बढ़ाने का मेरा निश्चय है। बताइए मैंने सही किया कि गलत किया? सही किया कि गलत किया? मुझे निश्चय अच्छा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपने मुझे अच्छा संकल्प करने के लिए बिठाया है ना, तो करना चाहिए ना। अब ये कांग्रेस वालों के पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, 2 दिन से लगे हैं, इलेक्शन कमीशन में जाएंगे,
मोदी के खिलाफ शिकायत करेंगे, वो गरीबों को मुफ्त अनाज देने की बात कर कैसे सकता है? मोदी अपने आप को समझता क्या है? अरे भाई तुझे जो करना है कर ले बाबा, मेरे तो गरीब मेरे हैं, मैं तो उनके लिए जो करता हूं, जो सजा मिल जाए भुगत लूंगा, लेकिन गरीबों का काम मैं नहीं छोड़ूंगा, गरीबों की सेवा करना मैं नहीं छोड़ूंगा। कांग्रेस वालों को जो करना है वो करते रहे, वो अपना पाप करते रहे, मैं मेरा पुण्य करता रहूंगा। भाइयों बहनों,